जनपद फतेहपुर में पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से खफा गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने ब्लॉक बहुआ में किया प्रदर्शन। सुजानपुर ग्राम पंचायत सचिव मनमोहन सिंह के कार्यकाल की जांच कराए जाने की रखी मांग। खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया। हम बहुआ ब्लॉक में वीडियो साहब के माध्यम से डीएम साहब को ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। 3 सूत्रीय हमारा ज्ञापन है। मनमोहन सिंह की जांच लगी हुई थी तो उसमें कोई आज तक सुनाई नहीं हुई है और भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है पूरे ब्लॉक में कि वीडियो साहब को यहां से ट्रांसफर करवा के जाना पड़ा। भ्रष्टाचार के चलते वीडियो साहब यहाँ से चले गए हैं। मनमोहन सिंह की जाँच नहीं हो रही है और अपात्र लोग जो है उनके दो दो आवास बनाए जा रहे हैं। पात्र लोग भटक रहे हैं, गरीब लोग भटक रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही। उनके आवासों में यहाँ धांधली, इतना ज्यादा धांधली यहाँ बहुआ ब्लॉक में हो रही है कि अब क्या बताऊँ। इसीलिए हमारे संगठन को लेकर के आज हमको यहाँ आना पड़ा है, यहाँ धरना देना पड़ा। मनमोहन सिंह किस पद में है, कौन है ये? मनमोहन सिंह सेक्रेटरी रहे हैं सुजानपुर की, तो उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया। उनकी जाँच लगी हुई है लेकिन यहाँ से कोई जाँच नहीं उनकी हो रही है। आज हम बहुआ ब्लॉक में बीडीओ साहब के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। 3 सूत्रीय हमारा ज्ञापन है। हमारी समस्याएं हैं कि सुजानपुर में सचिव मनमोहन सिंह ने जो धांधली किया है अभी तक तो उसकी जांच नहीं हो रही है। कई बार हमने ज्ञापन दिया, सीडीओ साहब से भी मिले हैं और यहां जांच नहीं हो रही है। उनके कार्रवाई कोई कुछ हो ही नहीं रही है। तो आज वीडियो साहब आकर के बतावे कि जांच कब होगी। आज हम महिलाओं को लेकर इसी पर्पज से आए हैं और जो यहाँ पे धांधली हो रही है पूरे ब्लॉक की बात बता रहे हैं। सूची में जो पहले नाम पड़े हुए थे वो नाम कटवा करके नए नाम भरवाए गए हैं। आवास में इतनी धांधली हो रही है आवासों में कि जिनके एक एक आवास बने हुए हैं उनको डबल आवास दिए जा रहे हैं। जो पात्र लोग हैं वो भटक रहे हैं, अपात्र लोग मजा मार रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि शौचालय में धांधली और शौचालय में सुजानपुर गांव में जिनके मास्टर हैं उनके लड़के उनको शौचालय दिए गए हैं। शौचालय के नाम से उनका पेमेंट हो गया है, पुराने शौचालय में नया पेमेंट किया गया है। तो उसकी तो ये कर ही नहीं रहे जांच। अगर जांच करेंगे तो पता नहीं कितनी गड़बड़ी पूरे ब्लॉक में मिलेगी। हम पूरे ब्लॉक स्तर की बात करते हैं, हर गांव की यही समस्या है। 4-6 गांव से मेरे पास शिकायत आई है कि आवासों में बहुत धांधली।